परिवार वाले जिसे मृत समझ रहे थे वो जिंदा निकला। उनके जिंदा मिलने की खुशी सुनकर उनके परिवार वाले झूम उठे। जी हम बात कर रहे हैं नूर मोहम्मद की, जो कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बोरवा थाना क्षेत्र के निवासी है, जो 4 साल से बिहार के मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में बंद थे। उनके परिवार वालों को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उनके पिता इस जेल में बंद है, वो भी 4 सालों से। परिजन और परिवार वाले ये मानकर दुखी होते थे कि उनके नूर मोहम्मद की मौत हो गई है, वो मृत हो गए हैं, इसलिए अब कोई खोज खबर भी नहीं लेते थे। लेकिन एक वकील ने जब उनके बेटे जलील खान को इस बात की जानकारी दी कि उनके पिता अभी भी जिंदा है, तो पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। जलील खान अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल उनसे मिलने जा पहुंचा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात भी हुई। नूर मोहम्मद अब जमानत पर बाहर भी आ चुके हैं। आपको बता दें, करीब 4 साल पहले नूर मोहम्मद को बच्चा चोरी करने के आरोप में हथौड़ी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था और तब से ही वो मुजफ्फरपुर के सेंट्रल जेल में बंद है। उनकी खोज खबर लेने वाला कोई नहीं था, आज तक उनकी पहचान करने वाला कोई नहीं मिला। लेकिन फिर एक अधिवक्ता होमा प्रवीण को उनका केस सौंपा गया पैरवी करने के लिए। होमा प्रवीण ने जब केस की जानकारी ली, कागजातों को खंगालना शुरू किया, तब जाकर के उनके बारे में जानकारी मिली। लेकिन फिर भी उनके राज्य का पता नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि नूर मोहम्मद के कागजात पर राज्य का नाम ही नहीं लिखा हुआ था। सिर्फ एक नाम लिखा था कि वो मुर्शिदाबाद के रहने वाले हैं। अधिवक्ता ने मुर्शिदाबाद को इंटरनेट पर सर्च किया, लेकिन इंटरनेट पर मुर्शिदाबाद त्रिपुरा में आया। वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को फोन करके इस बात की जानकारी ली, वहां उन्हें इनके बारे में कोई पता नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में उनकी जानकारी हासिल करनी शुरू की। वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जानकारी निकाली तो पता चला कि वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। इसके बाद किसी तरीके से खोज खबर करने के बाद उनके परिवार वालों को इस बात की जानकारी दी गई कि उनके पिता नूर मोहम्मद जिंदा है। उसके बाद लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचे। परिवार वाले खुशी से झूम उठे कि उनके पिता जिंदा है। आपको बता दें कि करीब 4 साल पहले उनके खिलाफ हथौड़ी थाने में FIR दर्ज कराई गई थी कि वो बच्चा चोरी करने का काम करते हैं। बच्चा चोरी करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार करके मुजफ्फरपुर के सेंट्रल जेल में भेजा था, लेकिन सेंट्रल जेल में जाने के बाद उनके परिवार वालों को इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई। परिवार वाले अब तक उन्हें मृत समझकर ही जी रहे थे। लेकिन जब होमा प्रवीण को उनका केस सौंपा गया पैरवी करने के लिए, उसके बाद उनके परिवार वालों को जानकारी मिली तो सभी खुशी से झूम उठे। 3 महीने से इस पे काम कर रही थी, सबको नेट पे सर्च करती गई। नेट पे सर्च करते कोई कह रहा था कि ये त्रिपुरा का है, कोई कह रहा था आसाम का है, कोई कह रहा था पश्चिम बंगाल का है, कुछ लोग तो कह रहे थे कि आतंकवादी है। खैर, त्रिपुरा, आसाम, पश्चिम बंगाल तीनों स्टेट में मैं सर्च करते करते पता चला ये पश्चिम बंगाल का है। तो पता चला कि ये बोरवा थाना का है, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में है। और उन लोगों की सहायता से ही इन लोगों का नंबर मिला और इन लोगों से बात हुई। इन लोगों से बात करके पता चला, ये लोग कह रहे थे कि हम लोग तो समझे मेरे पिता मर गए। तो हमने कहा नहीं, तुम्हारे पिता यहाँ हैं, कस्टडी में हैं, तुम लोग मिलना चाहोगे? ये लोग खुशी से बोला हाँ, हम लोग मिलना चाहेंगे। बहुत खुश हुए कि हमारे पता चला कि हमारे पिता जिंदा हैं। बता दें कि उनके पिता राजमिस्त्री का काम करते हैं। 12 साल पहले अचानक से उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी। क्या हुआ, कैसे हुआ, इस बात का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अचानक से उनकी हरकत को देखकर लगने लगा कि मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। इसके बाद भी उनका इलाज कराया गया पर ठीक नहीं हुए, काम भी छूट गया। इस दौरान 2017 में वो अचानक से लापता हो गए और उसके परिवार वाले उन्हें खोज खबर लेने के लिए खूब कोशिश की, लेकिन उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली। लेकिन आखिरकार उन्हें मुजफ्फरपुर के सेंट्रल जेल से निकाला गया है। वो अब जमानत पर है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ PR के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।